केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का पोर्टल पुनः मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया है। करीब डेढ़ महीनों से यही स्थिति होने की वजह से योजना को करारा झटका लगा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में 20 लाख सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। 1.5 लाख ग्राहकों ने आवेदन किया है। 81,947 का आवेदन मंजूर हुआ है। दस्तावेज भी जमा हो चुके हैं, लेकिन केवल 7,000 घरों में ही सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया गया है। सोलर वेंडर संगठन ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज पत्र परिषद में सौर ऊर्जा उपभोक्ता व इंटीग्रेटर समस्याओं को रखते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल के काम नहीं करने से योजना के तहत लगे सोलर सिस्टम की मीटर नहीं लग पा रहे। इससे करीब 30 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप घरों की छतों पर बेकार पड़े हुए हैं। नया आवेदन की प्रक्रिया भी थम चुकी है, वेरिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा। उधर वेंडर को बिना गलती के नाराज ग्राहकों के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। सिस्टम लगाने के बाद भी कई मामलों में पैसे तक लौटाने पड़े हैं। एसोसिएशन की मांग है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय अथवा महावितरण अपनी वेबसाइट पर पोर्टल की वास्तविक स्थिति की जानकारी दे, पोर्टल की समस्याओं को दूर करे, उसे पुनः चालू कर सोलर इंस्टॉलेशन प्रक्रिया आरंभ की जाए। बता दें कि गुरुवार को पोर्टल थोड़ी देर के लिए आरंभ हुआ था, लेकिन उसने पुनः दम तोड़ दिया। इस दौरान एसोसिएशन के अमित देवतले, साकेत सूरी, अवतार पटेल, विक्रम धाड़ीवाल, ऋतुराज काटोले और कुणाल इटनकर मौजूद थे। हाँ जी नमस्ते, मैं अमित देवतले, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1 करोड़ घरों के ऊपर में सोलर इंस्टॉलेशन करना है और इसमें सारी पब्लिक ने, ऑल ओवर इंडिया के पब्लिक ने बहुत अच्छी तरीके से अपना सहभाग दिया हुआ है। बट पिछले 2-3 महीनों से ये वेबसाइट जिसपे कस्टमर अपनी लॉगिन करता है, कस्टमर डिटेल्स डालता है, वो वेबसाइट चल नहीं रही है और इसके वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिन लोगों के घर पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड हुई है उसके यहाँ पे मीटर इंस्टॉलेशन नहीं होने की वजह से वो सिस्टम ग्रिड को कनेक्ट नहीं हो पा रही है और कस्टमर इस लगे हुए सिस्टम का उपभोग नहीं ले पा रहा है। सो हमारी शासन से यही निवेदन है कि ये जो आपका अपग्रेडेशन का प्रोग्राम चल रहा है इसको अपने वेबसाइट पर डालिए कि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। अन्यथा क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने सोलर इंस्टॉलेशन किया है वो कस्टमर्स जिनके इंस्टॉलर को दोषी मान रहे हैं उनके पेमेंट्स रोके हैं और हर रोज़ उन कस्टमर्स जो इंटीग्रेटर को परेशान हो रहा है वो बोल रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट में पुलिस केस कर देंगे, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएंगे। और इस के वजह से जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि सोलर लगाया जाए, इसका बेनिफिट लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि आज धुपकाले के वजह से सबकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़े हुए हैं और लोगों ने, कंज्यूमर ने इसी वजह से सिस्टम लगाई थी कि उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, बट ये कहीं दिख नहीं रहा है कि इसका फ़ायदा हो रहा है। रिगार्डिंग 75 CR का सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75,000 CR का बजट ऑलरेडी सैंक्शन किया हुआ है, तो सोलर के रिगार्डिंग यह जो सब्सिडी है वो कंटिन्यू रहेगी। नेशनल प्रोग्राम है ये, इवन सरकार कोई भी आए या जाए, जो भी सरकार होगी ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा और फंड ऑलरेडी सैंक्शन है इसके लिए 72,000 CR का, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री से हमें आंकड़े आए हुए हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।